It is huge. तो पिछले व्लॉग में आपने देखा कैसे हमने हवा से बातें की, मस्ती मस्ती में 400 किलोमीटर का सफर दोपहर तक खत्म कर दिया, दुनिया का सबसे बड़ा स्टैचू देखने के लिए। अब तैयार हो जाइए, सीट की पेटी बांध के रखे, क्योंकि इस व्लॉग में आप चारों खाने चित हो जाएंगे जैसे कि हम हुए थे। जी हाँ, ये स्टैचू है ही इतना बड़ा। और अगर आपको लगा कि इस बंदे में कुछ दम है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, मोटिवेशन मिल जाता है। हेलो गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू द चैनल। सो पिछले व्लॉग में आपने देखा पूरा मुंबई से स्टैचू ऑफ यूनिटी तक का सफ़र। अभी ये व्लॉग में है स्टैचू ऑफ यूनिटी का एक्सप्लोर करना और यू नो सरोवर डैम वो सब एरिया। सो देखते हैं, राइट नाउ वी आर एट द एंट्रेंस ऑफ दिस पार्किंग। पानी की सुविधा है जगह जगह पे, नाइस। लेन वाइज पार्किंग है, आई थिंक देयर शुड नॉट बी एनी प्रॉब्लम फॉर पार्किंग बिकॉज काफ़ी सॉर्टेड लग रही है। थोड़ा अंदर जाके थोड़ा देखते हैं अच्छी कहाँ मिलती है और वहाँ पे हम बाइक्स लगा देंगे, बिकॉज बाइक्स अंदर नहीं जाती, वो मैं बताऊँगा डिटेल में। थोड़ा पार्किंग रेट ढूंढ लेता हूँ फिर बताता हूँ। इट इज़ वेरी वेरी हॉट, बहुत ज़्यादा गर्म है। अभी प्रॉब्लम बाइकर्स का हमेशा की तरह है, सामान कहाँ रखे, हेलमेट कहाँ रखे, बाइक्स कहाँ रखे, और कुछ रखने का इतना ही है। तो यहाँ पे सीन ऐसा है, यहाँ पे सीन ऐसा है कि कार्स तो है, बाइक्स भी अंदर नहीं जा सकती, कार्स भी अंदर नहीं जा सकती। इट इज़ अ पोल्यूशन फ्री जोन, सो यू हैव टू यूज़ देयर ओन बसेस, उनकी खुद की बसेस है। 30 रुपीज़ पर पर्सन बस का जाने आने का टिकट, एंड 350 रुपये का ऑब्जर्वेशन डेक तक का टिकट जो आपको ऊपर ले जाएगा 3 से 5 दोपहर को। ये टाइम है मंडे को, ये क्लोज रहता है, सो पॉइंट टू बी नोटेड। नॉर्मल वाला टिकट 120 रुपीज़, सो नॉर्मल वाला टिकट में आप वो ऑब्जर्वेशन डेक और फिर एकदम ऊपर तक नहीं जा सकते, आपको दूर से देखना पड़ेगा, दैट इज़ ऑल्सो फाइन। बट अभी आए हैं तो ऊपर जाएंगे, देखते हैं। अभी पता नहीं भीड़ कितना, स्टैचू दूर से दिखता है एक्चुअली, नीचे से आके फिर ऊपर जाना है तो बात अलग है। सो दिस इज़ द सीन। अभी हम इट इज़ वेरी हॉट एक्चुअली। अभी सामान का थोड़ा जुगाड़ हम लोग कैसे कर रहे हैं कि हेलमेट हमने वायर से इधर बांध दिया है इंटरकॉम निकाल के, बाइक्स हमने क्लोजली इधर लगा दिए बिटवीन द कार्स। बस ले गए आप, तो बस का आना जाना शुरू रहता रहेगा। शटल सर्विस का है, शटल सर्विस का है। हाँ, सिर्फ एक चीज थोड़ा सा तकलीफ दे रही है, लगेज के लिए कोई जगह नहीं है। अच्छा हो, अभी भी यहाँ पे थोड़ा काम चालू है। काफी काम चालू है, सो मे बी आप जब आए तब मे बी थिंग्स आर इम्प्रूव्ड। सो या चलो, सुबह से कुछ खाया ही नहीं, 6:30 के बाद 6-7 घंटे को कुछ खाया नहीं है। बट द गुड थिंग हियर इज आपको पानी ठंडा मिल रहा है। या सो गुड सुविधा, ये बस की लाइन है, आई थिंक बस की लाइन है ना? वो बस है, वो बस है। सो वी आर गोइंग इन दैट बस, स्टैचू ऑफ यूनिटी, हॉप ऑफ बस सर्विस। वाह वाह, सो बस आ चुकी है, स्टैचू ऑफ यूनिटी हिप ऑन हिप हॉप बस। बहुत नाम तो बहुत ही फैंसी दे दिया, हिप ऑन हॉप ऑफ क्या बोल रहा हूँ, हॉप ऑन हॉप ऑफ बस सर्विस। तो वी हैव रीच स्टैचू ऑफ यूनिटी। यहाँ पे पहुँचने के लिए कुछ 10-15 मिनट लगे अपने को, 10-15 मिनट्स बाय बस। अभी कुछ खाने का जुगाड़ देखते, बिकॉज ओ रे बाबा आई एम वेरी हंग्री। अंदर पूछे क्या कुछ जाएगा? हाँ, ऊपर जाने के लिए ना, ऊपर जाने के लिए लाइन देखा, लाइन का नहीं तो बाहर से दिखा, वो बस का लाइन है, मैं देखा। सो ऐसा कुछ दिख रहा है अंदर से, गार्डन्स, लॉन्स, ये अभी बना नहीं है, बन रहा है ना। ये स्टैचू ऑफ यूनिटी का टॉप व्यू देख, सोविनियर शॉप, विजिटर सेंटर, ये पूरा लिखा है, वॉशरूम्स बन चुका है, एंट्रेंस एवेन्यू,
गोल्फ गोल्फ कार्ट शटल बस जेट्टी पिकअप एंड जेट्टी वाह जेट्टी भी बनने वाली है मतलब डायरेक्ट उधर से सही है बढ़िया तो ये है बस की लाइन जो जाती है सरदार सरोवर डैम यहाँ पे हमने सोचा था बाइक लेके जाएंगे बाइक लेके आने के ख्वाब देखे थे बट बाइक अलाउड ही नहीं है और ये रहा इसका ये तो स्टेडियम जैसा है बैठने की जगह है उधर से सो दिस इज द कैंटीन सबवे सीसीडी चलो खाते बहुत भूख लगा है खमंग और समोसा देखिए एवरीबॉडी खमंग और समोसा बाइक सब लोग खा रहे है हम भी वही खाएंगे यही मिलता है समोसा तो बढ़िया है तो अभी स्टैचू ऑफ यूनिटी में कैंटीन का खाना हम लोग टेस्ट करके आपको बताएंगे कैसा है अभी ये नॉर्मल वाला खमंग क्या बोलते हैं इसको रवा रवा नहीं है खमंग आटे वाला है ना ये खमंग ये नायलॉन खमंग अच्छा ये नायलॉन वाला खमंग नायलॉन मतलब खाने का नायलॉन खाने का नायलॉन क्या रहता है पूरे नायलॉन नायलॉन करता था मेरा समोसा काइंड ऑफ पट्टी समोसा न्यू स्टेट न्यू नेम पट्टी समोसा जैसे क्या पट्टी पट्टी समोसा पुणे में बहुत फेमस है लेकिन पट्टी समोसा में अच्छा वाला सब्जी होता है पट्टी समोसा में आलू नहीं रहता हाँ सब्जी रहता है ये आलू है तो ये देखिए रिवर फ्रंट जैसा ये लोग कुछ बना रहे हैं यहाँ पे वो जो एरिया है वो डैम का है हम लोग भी सोच रहे हैं स्टैचू बनाने का एंड स्टैचू तो अभी बच चुके हैं 3 और हम जा रहे हैं ऊपर टिकट अभी देखते हैं कितना भीड़ है कैसा है और ये देखो डैंडेलून्स बोलते हैं ना इसको डैंडेलून्स या कुछ बाबा पानी दूर तक आ रहा है A few inches later. तो खबर ये है कि हम बहुत खुश है हुआ है मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि पूरा सामान अंदर डाल दिया है और हम अभी स्टैचू ऑफ यूनिटी में जाने वाले हैं चलो जैकेट भी चलिए ओह सो दिस इज द मेन एंट्रेंस यहाँ से हमने चेकिंग ये सब होता है खाने पीने की चीज़ें आप नहीं के ले से जा सकते अंदर बेसिकली बैगेज काउंटर है आप बैगेज उधर दे दो आई थिंक फ्री है एंड दिस इज अ ह्यूज मतलब कैमरा से एक्चुअली समझ नहीं रहा है कितना बड़ा है इट इज़ वेरी बिग ये पूरा ब्रिज है जो वहाँ तक जा रहा है वो एक बेसिकली नदी के बीच में काइंड ऑफ है तो ये है बहुत ही बढ़िया I mean this is awesome. Yeah, seriously, nobody is noticing it. चल के भी जा सकते हैं यहाँ से भी जा सकते हैं हाँ join the gang. Hello friends. चाय पी लो Look at the size guys. Whoa. ये कैमरा में एक्चुअली लगता नहीं है इतना मतलब समझ भी नहीं आता इतना बड़ा है रियल लाइफ में तो इट इज़ ह्यूज मतलब मैं क्या बोलूँ आपको इट इज़ ट्रिमेंडस सो एक्चुअली हम लोग जा रहे हैं अभी स्टैचू ऑफ यूनिटी के बेस पे जिधर उनके पाँव है वहाँ से सो प्रॉब्ली ऊपर जाने का भी है Because we have the ticket for observation deck. So, बाप रे मतलब क्या बताऊँ मैं कितना बड़ा है यार It is tremendous. Oh my God, यार मतलब guys, literally this is the 5th or 4th escalator. वो नीचे के बेस के ऊपर आने से आने के लिए मतलब इतना ऊपर ये सिर्फ ऑब्जर्वेशन डेस्क है हम एक्चुअली अभी तक वल्लभ भाई पटेल जी के फुट तक भी नहीं पहुंचे जो आप लोग अभी पहुंचेंगे इट इज ह्यूज सो आई वॉज टॉकिंग अबाउट दिस आई मीन लुक एट द साइज अभी ये लोग खड़े हैं ना ये लोग नाखून के भी नीचे
ऐसा एंड सी द साइज यार, क्या मतलब, यहाँ से तो चेहरा भी नहीं दिख रहा है. एंड दिस इज ऑल मेटल, पता नहीं कौन सा मेटल. और यहाँ से ये व्यू कहाँ पे. सो फॉर योर इन्फॉर्मेशन गाइज, दिस इज 183 मीटर्स हाई, वर्ल्ड्स टॉलेस्ट स्टैचू, जो पहले चाइना में था वो अभी हमारा फर्स्ट है. या वी आर प्राउड. एंड आशीर्वाद दे दो वल्लभ भाई पटेल जी. आशीर्वाद लिया कि नहीं यार, नहीं इस फोटो निकालना. अरे असिस्टेंट काम पे लगाओ यार. हाँ उधर उधर. हाँ सर इतना ही है अभी. ओके थूक खत्म हो गए. नाउ वी आर गोइंग थ्रू द लिफ्ट ऊपर. सही है ना वो लिफ्ट का है. लिफ्ट नीचे है, वो ऊपर जाने के लिए टॉप पे. अच्छा ग्राउंड से है. सो वी आर गोइंग ऑन द टॉप. सो बेसिकली ये रहा टिकट, 350 रुपीज पर पर्सन. ये पूरा डिटेल्स एंड यहाँ से एंट्रेंस है. तो चलो लेट्स मूव. मतलब यहाँ पे आने के बाद चीज़ें देख के काफ़ी अच्छा लगा. मेरे ख्याल से वर्ल्ड क्लास सर्विसेज के लिए उन्होंने स्मॉल इंटरव्यू बाय प्रेस. इज्जत है भाई अपनी, बंटा ही किया. चलो चलो लिफ्ट का काम चालू हो गया. लिफ्ट वाले बंद चलो. वाओ ये तो पूरा एयर कंडीशन है. ब्यूटीफुल. वाह यार दिस इज ब्यूटीफुल गाइस. मतलब ये स्टैचू के नीचे अमेजिंग. बहुत ही बेहतरीन बनाया है. फिनिशिंग बहुत बढ़िया है. इट इज़ वेरी स्पेशियस गाइस, वेरी क्लीन एंड अच्छा खासा एयर कंडीशन है. तो फीलिंग वेरी रिलैक्स्ड यहाँ पे. एंड ये देखिए किस तरह का ऊपर का फ्लोरिंग है इनका. ये रहे उस मूर्ति की छोटी मूर्ति, और इसके पीछे भी है काफ़ी कुछ जो हम जाएंगे. ये साइड व्यू, ये बैक व्यू, ऐसा कुछ है क्या? सेक्शन है अभी हम लोग यहाँ पे हैं. हाँ ओके. और ये जो सेक्शन है ना, ये इस तरह वाला सेक्शन है. ऐसा ये जाता है लिफ्ट कहाँ पे है इसकी. एक सेकंड से भी कम वक्त. वाओ क्या बनाया रे. वो ये देखो पूरा स्टील का स्ट्रक्चर है ये ना. ये पूरा फ्रेम है उसका. वाह यार. सो ये रही फ्रेम. ऐसा कुछ बना है इस तरह से, पूरा मेटल ज्वाइन किया गया है पूरे फ्रेम के साथ. दिस इज द फ्रेम एंड इट इज़ इनक्रेडिबल. आई मीन क्या बोल बताऊँ मैं, इट इज़ इनक्रेडिबल. एक्चुअली ये व्यू ज़्यादा बेटर लगता है मेरे को. बहुत देखना कितना ब्यूटीफुल है. रोड के मस्त, रोड मस्त है एकदम. अच्छा ये ऐसा बना है. अरे बाबा और देखिए कितना बेहतरीन स्टैचू. सनसेट हो रहा है, नदी, स्टैचू ऑफ यूनिटी लिखा हुआ, मेहता साहब और नीलेश भाई. हमारे एक्चुअली पैर अभी चूर चूर हो चुके, घुटने जवाब दे रहे हैं, हम लोग थक चुके हैं. बसंती पापा आज लग रहा है मुझे बसंती को कैसा लग रहा होगा पापा. पापा मुझे आयोडेक्स चाहिए पापा. आयोडेक्स मिले काम पे चलिए. काम पे चलिए. अभी तो काम भी नहीं हो रहा है यार. हेलो अगले साल कब होने वाला है. नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ सरदार सरोवर डैम की तरफ मुड़ा हुआ ये स्टैचू
कोई आश्चर्य से कम नहीं है। हम जैसे लोग के लिए बस राइड करने का एक बहाना चाहिए होता है, और उसी बहाने हम जितना हो सके दुनिया देख लेते हैं। इस बार का बहाना तो स्टैचू ऑफ यूनिटी था, अब देखते हैं अगला बहाना कौन सा होगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, और बताना मुझे कॉमेंट्स में कोई नया बहाना राइड करने के लिए। सो गाइस, वी हैव रीच्ड अंकलेश्वर। अंकलेश्वर में एक होटल हमने रात को ढूंढा। आई डिडंट व्लॉग बिकॉज अंधेरा हो गया था, सो देयर इज नो पॉइंट, सेम रोड। इट इज अ वेरी बेसिक होटल, तो बस सोने के लिए हम लोग सुबह वी आर लीविंग फॉर मुंबई 6 बजे प्रॉब्ली। जल्दी निकलेंगे, जल्दी पहुँचेंगे, थोड़े काम निपटाएंगे। यू ऑल्सो हैज वर्क, आई विल ऑल्सो एडिट द वीडियो अगर जल्दी पहुँच गए तो। वी आर वेरी मच टायर्ड। हाँ, बेसिकली इट वॉजेंट राइडिंग, इट वॉज ऑल दोज बैग्स और धूप में घूमना वॉज मोर टायरिंग। धूप पर बहुत टॉर्चरिंग, इट वॉज वेरी टॉर्चरिंग सन, एंड ऊपर से सब बैग्स और सब लेके आज बहुत हालत खराब हो गई है। मतलब इट इज जस्ट लाइक 1000 किलोमीटर राइड लग रहा है। एक्चुअली मुस्ताक भी इतना थका लग रही है। हाँ, ये अजीब लेवल की थकावट है, एकदम वो सन वाली थकावट है। सो ठीक है, मैं वीडियो अभी एंड करता हूँ। अगला ब्लॉग जो रहेगा वो अपना मुंबई, फ्रॉम हियर टू मुंबई नॉर्मल ब्लॉग, देखते कैसा है। चलो मिलता हूँ आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए खुश रहे, बद रहे, एंड गुड नाइट। गुड नाइट।